हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सीजीएल के प्रीवियस ईयर लगभग 5000 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 25% ऑफ इट सेल्फ गिव्स अ नंबर विच इज 200% मोर देन द नंबर देन नंबर इज। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज दी है, अपन को लैंग्वेज पढ़ के इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले एक नंबर दिया है, नंबर मान लिया मैंने एक्स है। अब एक्स में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है किसका? 25% ऑफ एक्स का ही। 25% ऑफ एक्स मतलब इट सेल्फ। ठीक है, इट गिव्स, गिव्स का मतलब हो गया इक्वल टू 200%। 200% का मतलब हो गया 200/100 ऑफ एक्स। 200% मोर देन, मोर देन का मतलब प्लस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन या अपन को क्वेश्चन पढ़ के ये इक्वेशन बना नहीं आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व, इसमें कुछ नहीं बचा। देखिए ये एक्स है, ये कॉमन आके एक्स कट गया, ये बचा क्या? 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा? ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, 2+1। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 12। यही अपना आंसर हो गया, कहाँ है? पहले ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब कम होना। ठीक है, एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स वैल्यू। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज 729 देन इट्स वर्थ 3 ईयर अगो। ठीक है, कोई एक आर्टिकल दिया है जिसकी कीमत हर साल 10% कम हो रही है और उसकी प्रेजेंट कीमत दी है 729 रुपये, तो अपन को 3 साल पहले की कीमत बतानी है। ठीक है, 10% कम होने का मतलब क्या है? 10 से 9 हो रही है और 3 साल की बात हो रही है, मतलब सक्सेसिव का केस है। तो ये देखिए, पहली साल 10 से 9 हो गई, दूसरी साल भी 10 से 9 ही होगी, 10% ही कम होगी ना, 10 से 9 हो जाएगी, और तीसरी साल भी 10% ही कम होगी, मतलब 10 से 9 हो जाएगी। ये तीसरी साल की बात आ गई। क्या करते हैं इसमें? तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। तीनों का मल्टीप्लाई किया गया, 1000 से कितनी हो गई? 729। ठीक है, 729 का मतलब आएगा 729 रुपये, तो 1000 यूनिट का मतलब हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ अनियन हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 50% इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर ऑन अनियन सेम, द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द कंजप्शन हैज़ टू बी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्याज है, प्याज की कीमत क्या 50% बढ़ गई। अपन को प्याज का जो खर्चा है वो उसको सेम रखना है, तो ये बताना है कि प्याज अपन कितनी ले पाएंगे। जैसा कि मान लीजिए प्याज की कीमत क्या 50% बढ़ गई, 10 रुपये की प्याज मिल रही थी तो वो 15 रुपये की मिल रही है। इन दोनों का मल्टीपल एक नंबर ले लो 30। ठीक है, मेरे पास ये 30 रुपये हैं जो मैंने फिक्स कर रखे हैं, हर महीने मैं प्याज लूँगा 30 रुपये की। अब 10 रुपये किलो के भाव में पहले मैं कितनी प्याज ले सकता था? 3 किलो, लेकिन अब 15 रुपये किलो हो गए तो मैं कितनी ले पाऊँगा? सिर्फ 2 किलो। तो ये क्या हो गया? कंजप्शन कम हो गया, कंजप्शन है ये। अगर पहले मैं 3 किलो ले रहा था, अब मैं 2 किलो ले रहा हूँ, ये 3 किलो क्या कंजप्श कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ प्याज। ठीक है, लेकिन अब 2 किलो में ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि प्याज के एक्सपेंडिचर तो अपने पास 30 रुपये फिक्स हैं। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ से 3 किलो से 2 किलो हो गए, कितनी कम हो गई? 1 किलो कम हो गई। कितने किलो पे? 3 किलो पे। हर 3 किलो पे 1 किलो प्याज कम हो गई। इसी को परसेंटेज का मैं कन्वर्ट कर लो, ये हो गया, ये कितना आ गया? 33:1/3%, 33:1/3%, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मैन हैड सर्टेन अमाउंट विथ हिम, ही स्पेंड 20% ऑफ दैट टू बाय एन आर्टिकल एंड 5% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, देन ही गिफ्टेड बन 20 रुपीज़। इफ ही लेफ्ट विथ 1400 रुपीज़ द अमाउंट ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ पैसे थे, उसने उसमें से 20% खर्च कर दिए एक बार आर्टिकल खरीदने में, उसके बाद 5% उसके ट्रांसपोर्ट में खर्च हुआ है और 120 रुपये उसने किसी को दान दे दिए, और अब उसके पास कितने बचे? 1400 रुपये उसके पास बचे, 1400 रुपीज़। ठीक है, अपन को क्या बताना है? अमाउंट जो ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ कितना खर्च हुआ? 5% ऑफ रिमेनिंग, ये अपन को बताना है। देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए उसके पास इनिशियली कितने थे? 100% रुपीज़ थे, जो भी थे वो इनिशियली 100% थे। ठीक है, इसका 20% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया किधर? आर्टिकल खरीदने में। तो कितने बचे उसके पास? उसके पास बचे 80% रुपये।
अब इस 80% का 5% उसने खर्च कर दिया ट्रांसपोर्ट पे, 80% का 5%, 5% का मतलब क्या होता है 5/100, जिसको अपन बोल सकते हैं 1/20, है ना। तो 80% का 1/20 क्या हो जाएगा, 80 × 1/20%, ये क्या आ गया 4%, 4%, ये क्या है इसने 5% ऑफ रिमेनिंग का मतलब 4%, उसने 4% रुपये खर्च किए थे ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। 80 में से 4% और अपन ने कम किए तो कितने बचे 76%, ये 76% में से उसने 120 रुपये और दान कर दिए, 76% में से 120 रुपये उसने कम कर दिए, दान कर दिए, तो उसके पास कितने बचे 1400 रुपये, ये आ गए अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 76% ये साइड गए हुआ है 1520 रुपये, ठीक है, ये कट जाएगा 19 से, 19 × 76 और 19 × 8 ये आ गया 80, 4% की वैल्यू कितनी आ गई 80 रुपये, यही अपन को निकालना था। 4% क्या आएगा 5% ऑफ रिमेनिंग, जो कि उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, मतलब कितने किए उसने ट्रांसपोर्ट पे 80 रुपये खर्च किए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश एंड 42% फेल्ड इन मैथ्स, ठीक है। इफ 17% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट देन द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 52% कैंडिडेट इंग्लिश में फेल हो गए और 42% कैंडिडेट मैथ में फेल हो गए, और क्या 17% कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो अपन को ये बताना है कि जो बचे हुए स्टूडेंट उनमें से पास कितने हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। देखिए ये दिया है अपन को क्या, इंग्लिश का, इंग्लिश में कितने पास हो गए फेल हो गए 52%, 52% पास हो गए इंग्लिश में, और बाकी ये क्या है मैथ का, मैथ में कितने पास फेल हुए हैं 42%, 42% मैथ में फेल हुए हैं, बाकी ये जो कॉमन एरिया आ रहा है ये क्या है कैंडिडेट जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए जिनकी वैल्यू कितनी दी है 17%। तो ये एरिया कौन सा बचा, ये जो एरिया बचा ये वो एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, और सिमिलरली ये जो एरिया है इस एरिया में क्या बच्चे हैं, इस एरिया में वो लोग आएंगे जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 35, ये 35% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हुए, सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, और ये आ रहा है 52 − 17 25%, ये आ रहा है 25% जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। देखिए क्या किया मैंने, ये 52% पूरा सर्कल है जिसमें से 17% तो चले गए कॉमन में जो मैथ में भी फेल हुए हैं, बाकी बचे 35% जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, ये सिर्फ इंग्लिश वाले आ गए, ये दोनों वाले आ गए, और ये मैथ वाले आ गए, ये मैथ वाले ओनली मैथ, ये आ गए ओनली इंग्लिश, और ये आ गए बोथ, ठीक है। ये अपन ने निकाल ली फेल, ये आ गए बोथ, ठीक है। ये टोटल कितना परसेंट हो रहा है इसको एक बार जोड़िए, 35 + 25 + 17 ये आ गया 7, और ये 3, 2, 6, 5 और 1, 6 और 1, 7 77, ये 77% कैंडिडेट वो हैं जो कुछ इनमें से ओनली मैथ में फेल हुए हैं, कुछ ओनली इंग्लिश में फेल हुए हैं, और कुछ दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, मतलब कि बचे कितने बचे हैं अपने पास 23% वो स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, यही अपना आंसर है, यही अपन को निकालना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन देयर वाज ओनली 2 कैंडिडेट, ठीक है, एक इलेक्शन की बात हो रही है जिसमें सिर्फ 2 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट वंस कैंडिडेट सिक्योर 40% ऑफ वोट, एक कैंडिडेट ने 40% वोट सिक्योर करे और हार गया वो 298 वोट से, मतलब कि जो हार गया उसने 40% वोट करे वो कितने वोट से हार गया वो 298 वोट से, द टोटल नंबर ऑफ वोटेड कितने वोट पड़े थे वो बताना है अपन को। देखिए कैंडिडेट जो हारा उसको कितने वोट मिले 40%, तो जो जीता उसको कितने वोट मिले होंगे
उसको मिले होंगे 60%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20%। और ये कितने वोट से आ रहा है, ये आ रहा है 298 वोट से, 298 वोट से ही आ रहा है ना, मतलब कि 20% की वैल्यू कितनी दी अपन को, 298। देखिए 20% की वैल्यू दी है ना 298, यहाँ से 10% की निकाल लो, 10% की वैल्यू कितनी आ गई 149, ठीक है। ये कितने की आ गई 1% की, एक एक जीरो और बढ़ा दो, 100% की वैल्यू आ गई, यही अपन को निकालना था आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ नंबर ऑफ इज इंक्रीज्ड बाय 22.5% गिव्स 90, देन द नंबर इज, किसी एक नंबर को 22.5% से बढ़ाया जा रहा है और वो 98 बन जाता है, तो नंबर बताना है अपन को क्या है। देखिए 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/40, ये वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो देखिए 22.5 का मतलब, 22.5 का मतलब हो गया 22 × 2 = 44 और 1 = 45, 45/2, ठीक है, ये परसेंटेज में है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, ठीक है, इसको इससे काटो, 5 × 45, 5 × 2 = 10, ये क्या आ गया 20, ये क्या आ गया 9/40, ठीक है, ऐसे आप निकाल भी सकते हो। वैसे आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए 22.5 की वैल्यू क्या होती है 9/40, इसका मतलब क्या है कि 40 से 49 हो गया, 40 पर 9 ही बढ़ रहा है ना, 9/40 का मतलब क्या है, 40 पर 9 बढ़ रहा है, मतलब 40 से क्या हो गया 49, इसका ही डबल कर दूँ क्योंकि अपन को दिख रहा है ना 49 का डबल 98 होता है, तो 40 का डबल क्या हो जाएगा 80, 80 से 98, यही अपन को निकालना था, इनिशियल नंबर क्या है 80 है, आंसर क्या होगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इन एन एग्जामिनेशन ए गोट 25% मार्क्स मोर देन बी, बी गोट 10% लेस देन सी, सी गोट 25% मार्क्स मोर देन डी, इफ डी गोट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500 देन मार्क्स ऑब्टेंड बाय। चलिए अपन को सबके दिए हैं रिलेशन और डी के मार्क्स दिए हैं, ए के निकालना है, तो अपन क्या करते हैं रेशियो पे काम करते हैं, जैसे कि ए रेशियो बी दिया है अपन को, क्या ए के कितने मार्क्स ज़्यादा हैं, 25% मार्क्स ज़्यादा हैं, 25% का मतलब क्या होता है 25% का मार्क्स 1/4, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 4 पे 1 ज़्यादा, मतलब कि क्या हो जाएगा ए के मार्क्स आ जाएंगे 5 और बी के 4, ठीक है ना। उसके बाद बी रेशियो सी दिया है, क्या बी के मार्क्स 10% कम है, 10% कम है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10 में 1 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9:10 का रेशियो हो जाएगा, 10% कम है ना, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है सी रेशियो डी दिया है अपन को, क्या वही 25% मोर, मतलब कि 5:4। अब क्या निकालना है अपन को, ए और डी में रिलेशन निकाल लेते हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई जैसे किया अपन ने, बी से बी कट गया, सी कट डी कट गया, ए रेशियो डी आ गया, ए रेशियो डी आ गया, इधर से देखो कुछ कट रहा है, कहाँ ये कट रहा है, ये हो गया 5 × 2 = 10, ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ कट नहीं कट रहा, 9 × 5 = 45, 4 × 16 = 32, ठीक है, क्या रेशियो आ गया 32। अपन को डी के मार्क्स कितने दिए, डी के मार्क्स दिए 320, मतलब 32 यूनिट की वैल्यू दी है 320, इस पर एक जीरो और बढ़ा दो, रेशियो में तो ऐसा कर ही सकते हैं, ठीक है, 320 यूनिट की वैल्यू 320 दी है, तो 450 यूनिट का 450 हो जाएगा, मतलब कि ए के मार्क्स कितने 450, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, 3 sets of 40, 50, and 60 स्टूडेंट आर अपियर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, द पास परसेंटेज वाज 100, 90, and 80 रिस्पेक्टिवली, द पास परसेंटेज ऑफ द होल सेट। देखिए एक किसी एग्जामिनेशन की बात हो रही है जिसमें तीन सेट, मतलब तीन शिफ्ट में एग्जाम हुआ, एक में 40 बच्चे बैठे, एक में 50 बच्चे बैठे और एक में 60 बच्चे बैठे, ठीक है, 40 जितने बैठे थे वो 100% पास हुए, जो 50 बच्चे बैठे थे उनमें से 90% बच्चे पास हुए, और जो 60 बैठे थे उनमें से 80% पास हुए, तो अपन को बताना है टोटल पास कितने हुए। देखिए टोटल कितने हुए, 40, 60, 100 और 150 स्टूडेंट टोटल अपने पास आ गए, ठीक है, 40 में से 100% ही पास हुए, मतलब कि 40 के 40 पास हुए, 50 का 90%, मतलब कि 45 बच्चे पास हुए, 50 का 90% निकाल सकते हैं ना, 50 × 90% / 100, 49 = 45, ठीक है।
और 60 का 80%, 60 का 80% भी निकाल सकते हैं, 60 × 80 / 100, ठीक है, 48 है ना। और 40 का 100% 40 हो गई, मतलब कि टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, 40 40, एक सौ तैंतीस स्टूडेंट पास हुए, किस में से, 150 में से, ठीक है, 150 में से 133 स्टूडेंट पास हुए। अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इंटू 100, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गई, 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है, 133 2/3, इस टाइप में तो कोई आंसर है नहीं। चलिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 ये क्या हो जाएगा, ये भी 6, ये 1/3, नहीं ये 2, ठीक है, इसको काटो, 8 3 24, 8 3 24 बचा 2, 8 3 24 बचा 2, इसको ऐसे लिख दो 2/3, ये आंसर, हाँ ये दिया है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ईच इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 50% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, किसी क्यूब की बात हो रही है जिसकी हर एक साइड को 50% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी सरफेस एरिया में क्या इंक्रीजमेंट होगा। चलिए देख, 50% इंक्रीज का मतलब क्या होगा, यदि उसकी साइड 10 थी तो अब कितनी हो गई, 15, यही हुआ ना। चलो सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² ठीक है, इसको a1 मान लो, इसको मान लो a2, 6a² इनिशियल, ये इससे ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, अब क्या होगा, a² ये क्या है, 10 × 10, और ये क्या है, 15 × 15, 100 से कितनी हो गई, 225, 225 हो गए ना, कितनी बढ़ गई, 125 बढ़ गई, कितने पे, 100 पे, मतलब कि 125% बढ़ गई, यही अपना आंसर है, ठीक है।